पाकिस्तान की गवर्नमेंट का एज फॉर नाउ आज कोई रद्द अमल नहीं आया कि हमने अहमदाबाद नहीं जाना, हमने दूध पीने नहीं जाना, हमने लस्सी लेने नहीं जाना, हमने हैदराबाद नहीं जाना। चार मैच आपके हैदराबाद में है क्वालिफायर और उस समेत, तो इट इज अ वेरी वेरी जिसे कहते हैं ना कंफर्टेबल पोजीशन फॉर टीम पाकिस्तान व्हेन यू आर स्टेशन एट सम प्लेस वेर यू आर गोइंग टू प्ले द मैचेस। इट इज सेम एंड सिमिलर सिचुएशन लाइक न्यूजीलैंड हैड प्लेड इंग्लैंड टू टेस्ट मैचेस प्रायर टू द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और द फर्स्ट एडिशन, सेम अप्लाइज हियर। और एक और चीज, जो लोग कहते हैं शेड्यूल इंडिया की मर्जी का है, इंडिया पहली बात है इंडिया की मर्जी का होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, वो होस्ट है, मैं होस्ट हूं, मेरा घर है, मेरी मर्जी है भाई कि मैं जहां मर्जी आपको ठहराऊं, जो मर्जी करूं, बाद में आप जो मर्जी चीखे मारे ये गलत है या वो सही है, एक। नंबर टू, आईसीसी ने और इन्होंने मिलके हुआ। नंबर तीन, रिजवान साहब कोई 84,000 किलोमीटर इंडिया नॉर्थ मुख्तलिफ शहरों में जाके ट्रेवलिंग करके मैचेस खेलेगा अपनी, और अगर आप सेमीफाइनल फाइनल मिलाए अराउंड 10,000 किलोमीटर, तो ये होती है बाइंडिंग। क्यों, इंडिया भी चाहता दो जगह स्टेशन हो जाता, तीन जगह हो जाता, एक जगह हो जाता। ये होता है जो मुल्क की अवाम का, जो लोग कहते हैं मोहाली में नहीं हो रहा, जो लोग कह रहे हैं धर्मशाला में हो रहा है, फलानी जगह नहीं हो रहा, ये उनके लिए है। जैसे पिशावर में अरसे दराज से नहीं हो रहा, फैसलाबाद में नहीं हो रहा, पिंडी में कई दफा नहीं मिलता, पिंडी की पिच को छेड़ दिया जाता है, तो रिजवान साहब एज ए होस्ट मैं समझता हूँ इंडिया का ये राइट था। मैं पाकिस्तान अगर हम होस्ट करेंगे 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, हमारी मर्जी है, हम जो वेन्यूज देंगे नए बनाए या ना बनाए। तो ये ज्यादती है रिजवान हैदर साहब जो बकवास करते हैं एक्चुअली बगैर देखे बगैर सोचे, या तो बहुत तारीफ कर देंगे या बहुत ज्यादा रगड़ देंगे, ऐसी कतन बात थी। अगर आप बारीक देखे, हम सुबह आए शेड्यूल क्योंकि उसी वक्त अनाउंस हुआ था, बहुत सारी चीजें मिस थी, हमने उस पर नहीं छेड़ा, अभी हम आए हैं, वी आर फुली प्रिपेयर्ड। मेरी जब तक शहबाज शरीफ है, नरेंद्र मोदी साहब है, सवा 100 बरस का पल की खबर नहीं, कल हम ही ना हो। एक मिसाल है भाई, एक कंट्री को इनविटेशन दिया जाता है, मेरा कहने का मकसद ये है। तो रिजवान साहब जब आपने ओके किया, देखिए मैं आपको बार बार अपडेट करता रहा कि ये जब आया था आईसीसी का हाई पावर डेलीगेशन, इट वाज जस्ट जिसे कहते हैं नजम सेठी वाज ट्राइंग टू मस्टर सपोर्ट एंड सेंड अ मैसेज दैट आई एंजॉय इंटरनेशनल, बड़ी बैकिंग है मुझे दिस एंड दैट। इट हैज नथिंग टू डू विद के भाई खुदा के वास्ते आ जाना इंडिया, अल्लाह के लिए एशिया कप करवा लेना, फलाना का, नो नो नो। तो भाईजन वो जब आई पीसीबी और इनकी ज्वाइंट स्टेटमेंट, उसने मेरी बात प्रूव कर दी। मैंने आपसे कहा रिजवान ये सेठी नहीं, ये फॉरेन मिनिस्टर ऑफिस और बैकडोर डिप्लोमेसी से एशिया कप रिवाइव हुआ है, आप ही के शो में प्राइम मिनिस्टर तक ये बात पहुंचा दी गई है, इस तरह पाकिस्तान की जगसाई कराई गई है, चाहे उसमें सेठी है एबीसीडी है कोई भी है, मेनली तो सेठी रिस्पॉन्सिबल है, जो लेटर गए हैं आपकी बेइज्जती हुई है। जहां तक बात मुंबई की लोग उछाल रहे हैं, भाई ये पहले से तय कर लिया गया है आईसीसी और बीसीसीआई ने, इसमें कोई नई चीज नहीं है। तो भाईजान इसमें प्लीज ऐसे खामखा मिर्च मसाले चुटकियां ना लें, पाकिस्तान सिंपल इज दैट इज गोइंग टू इंडिया टू प्ले द वर्ल्ड कप फाइनल्स अकॉर्डिंगली, जो भी बीसीसीआई आईसीसी ने शेड्यूल दिया है, मानो अन पाकिस्तान टीम इज पार्टिसिपेटिंग, दैट्स इट।